ये गाड़ी मैंने लास्ट ईयर मार्च 2016 में खरीदी थी। ये पेट्रोल में ही है अभी तक, क्विड गाड़ी और टॉप वेरिएंट है। RXT ऑप्शनल है विद एयरबैग के साथ। जब मैंने इस गाड़ी को ख़रीदा, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट इसकी स्पेशियस लुक से ही मैं थोड़ा सा लगा कि आई थिंक आई शुड बाई इट। और बहुत सारे फैक्टर थे। थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस इसकी मेरे को ठीक लगी, जो अदर कार्स में इस सेगमेंट में नहीं थी। ड्राइव करने में तो कंफर्टेबल है, बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट इट्स क्वाइट ओके। फ्रंट इसका अब अंदर बैठ के ऐसी फील आती है, SUV टाइप की फील आती है आपको नीचे, जैसे मारुति की और गाड़ियों में बैठो के, या फिर किसी इस सेगमेंट की अदर गाड़ियों में ना काफ़ी नीचे सा फील होता है, बट इसमें आपको लगेगा कि मैं SUV में, मतलब काफ़ी ऊंची फीलिंग आती है, ठीक सा लग। हाँ, इसका इंजन अगर थोड़ा सा ऊपर होता, जैसे मेरा ये 799 CC का है, अगर ये 1000 CC में भी होती तो शायद थोड़ा सा मेरे को इम्प्रूवमेंट फील लगता। बट फिर भी अगर इतनी इतनी बड़ी गाड़ी के लिए मुझे लगता है कि 1200-1400 इंजन होना ही चाहिए था, तब आपको इसमें बहुत अच्छी फील आती है और बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर पाते। अभी तो 1 साल हुआ है, नॉट मोर देन पर सर्विस 3000-4000, इट्स क्वाइट वेल, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। सामान रखने की जगह भी है, डैशबोर्ड में है, मतलब काफ़ी, और ऊपर भी आप देख सकते हो तो जगह बनी हुई। इवन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मुझे इतना सा होता नहीं है, बट जगह है, काफ़ी है। बूट स्पेस तो इसका इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, इवन 300 लीटर जो मुझे याद है। काफ़ी चीज़ें एडजस्ट हो सकती है, इवन वीक डेज, पूरे वीक के लिए मैं अगर छुट्टी पर गया हूँ तो पूरे वीक का सामान लेके भी मैं इसमें गया हूँ, तो अच्छी जगह है। बूट स्पेस इसका काफ़ी बड़ा है। लॉन्ग ड्राइव पे अगर मैं इसको, मैंने नोटिस किया है तो ऑलमोस्ट मैं 20 तक आज की डेट में भी मैं पहुँच पाता हूँ, 20 तक की एवरेज अभी भी आ जाती है। सिटी में यही 14, 15, 16, ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में ड्राइव कर रहे हो, मतलब कहीं ज़्यादा क्राउड होता है और कहीं पे मतलब नॉर्मल सा मिल जाता है, तो 15-16 के आसपास सिटी में भी आ जाती है इसकी माइलेज। वो मैंने पहले भी आपको बताया कि सेगमेंट में इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। हिल्स में मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ, जहाँ दो बहुत सारी गाड़ियाँ फंस जाती है, इवन जो हिल्स पे थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वहाँ पे मैं बड़ी आसानी से इसको निकाल के ले गया हूँ। गाड़ी को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर आदमी सेम इस ही बजट में लोग ढूंढना चाह रहे हो तब तो ये फाइन चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है। बट अगर आपको थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस पे भी जाना है, तो आप, मैं तो कहूँगा कि मतलब इंजन बहुत अच्छा हो उस गाड़ी पर जाइए, बट अगर आपका बजट यहाँ पे ही सीमित होता है तो आपकी बेस्ट चॉइस है ये गाड़ी, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। हाँ, 8 नंबर तक मैं इस गाड़ी को दूंगा।